हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर और मेरा नाम है विनय एंड आज हम करने जा रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल का हमारा लास्ट लेक्चर, ठीक है। और इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। अच्छा, प्रिवेंशन के अंदर ही हमारा क्या आता है, इम्यूनाइजेशन आता है। सो दीज टू आर इंटर रिलेटेड एंड उसके बाद हम लोग एक मेजर टॉपिक के बारे में समझेंगे कि व्हाई इट इज़ हार्ड टू मेक एन एंटीवायरल ड्रग, एक एंटीवायरल ड्रग को बनाना इतना मुश्किल क्यों है। ये दोनों प्रिंसिपल्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, तो इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं और ध्यान से सर की बातों को सुनना है क्योंकि अगर आपने एक बात को भी मिस कर दिया ना तो कुछ सब कुछ गायब हो जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। चलो जी, सो लेट्स स्टार्ट एंड यहाँ पे जरा हम लोग समझते हैं कि भाई आज क्या क्या हम लोगों को कवर करना है, क्या क्या कवर नहीं करना है। जल्दी से आ जाइए। ओके, सो सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, या इम्यूनाइजेशन है क्या, वट इज इम्यून, कौन सा इंसान है जिसको हम इम्यून कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, देखो देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो बॉडी होती है उसके पास कह सकते हो सुपर पावर है। जी हाँ, आप भी एक तरीके के कह सकते हो सुपर हीरो है, ठीक है। तो उसके पास एक सुपर पावर है कि अगर हमारी बॉडी को कोई डिसीज हो गई है, अगर हमारी बॉडी को कोई डिसीज जो है वो हो गई है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी को कोई डिसीज हो गई है तो वो डिसीज फिर से हमारी बॉडी को नहीं हो सकती है। मतलब जाहिर सी बात है हो सकती है, बट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और हो भी गई तो हमारी बॉडी उसे संभाल लेगी हमें, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं कि हमारी बॉडी को कोई डिसीज है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यार, चलो हम टाइफाइड मान लेते हैं, तो फिर से टाइफाइड होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उस टाइम पे हमारी डिसीज, हमारी जो बॉडी होती है खुद से वो डिसीज को संभाल लेती है, हमारी जो बॉडी होती है वो डिसीज को खुद से संभाल लेती है। क्या कहने का मतलब है सर का, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। यहां पे एक ह्यूमन है, यहां पे दूसरा ह्यूमन है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई इसको जो है पहले क्या हुआ, टाइफाइड हुआ। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इम्यून सिस्टम। क्या है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम है। अच्छा ठीक है सर, है इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं कैसे सेल्स, एग्जाम्पल के तौर पर WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा जी, ठीक है। तो अब कुछ कुछ इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं, कह सकते हो कुछ कुछ वाइट ब्लड सेल्स हमारे ऐसे होते हैं, या कह सकते हो जब टाइफाइड पहली बार इस इंसान को हुआ तो क्या हुआ कि कुछ वाइट ब्लड सेल्स ने क्या कर लिया, इसकी ना मेमोरी रख ली एक, ठीक है, इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रख ली, पूरी की पूरी मेमोरी रख ली कि भाई ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से फाइट करता है, ठीक है, किस तरीके से डिसीज करता है, हर एक चीज के बारे में छोटी छोटी डिटेल जो है ऑब्जर्व कर ली। अब जब दूसरी बारी फिर से टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम कोशिश करेगा कि जो जो तरीके से उसने पहले हमला करा था उन सारे हमलों को, मतलब सारे तरीकों को ब्लॉक कर दे, और ब्लॉक कर देगा तो इस इंसान को टाइफाइड नहीं होगा। या अगर दूसरी बारी टाइफाइड हुआ भी तो उतना खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना पहली बारी में देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि अब हमारी बॉडी हो गई है इसके खिलाफ इम्यून, अब हमारी बॉडी जो है इसके खिलाफ हो गई है क्या, इम्यून, ठीक है, हमारी बॉडी जो है इसके खिलाफ क्या हो गई है, इम्यून हो गई है। अच्छा जी ठीक है, दूसरी बात यहां पर अगर हम आते हैं, यहां पर नेक्स्ट केस में सेम इंसान है, अगर इसको अब की बारी कोई दूसरी डिसीज हो गई, अभी हम लोगों ने टाइफाइड की बात करी थी, अब हम कह देते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस, अब इसको अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो अब आप लोग ये मत सोचना कि इसको ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ट्यूबरक्लोसिस इसको ज्यादा खतरनाक तरीके से हिला सकता है, ट्यूबरक्लोसिस जो है इसको ज्यादा खतरनाक तरीके से हिला सकता है। क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ ये इम्यून नहीं हुआ है। अरे भाई ये तो पहली बारी हो रहा है ना इसको, जो भी डिसीज फर्स्ट टाइम होगी हमें वो हम लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ये इतना खतरनाक साबित नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे टाइफाइड जो है फर्स्ट टाइम हुआ था तो खतरनाक साबित हुआ था, लेकिन अब फिर से क्या करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं इसकी मेमोरी रख लेंगे, और जब नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा ट्यूबरक्लोसिस होने की कोशिश करेगा तो ये जो हमारी बॉडी है इसको अटैक करेगी उसी तरीके से जिस तरीके से ये काम करता है, और फिर दूसरी बारी जो है हमें ट्यूबरक्लोसिस अगर होगा भी तो थोड़ा कम होगा, वैसे तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो कम होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी जिस डिसीज के खिलाफ
आती है, कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिसीज होता है उसकी ये मेमोरी रख लेती है, उसके खिलाफ इम्यून हो जाती है कि अब भाई अब तो मैं तेरे से नहीं हारने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर आप गली क्रिकेट में भाई किसके साथ खेल रहे हो, ठीक है, आता है ना कि जब कोई नया बॉलर आता है तो हम लोग दूसरी तीसरी बॉल पर उसके ओवर में आउट हो जाते हैं, लेकिन वही बॉलर जब फिर आ करके दो चार दिन बाद फिर से बॉलिंग करता है तो उसको वहीं पे फिर मस्त लंबे लंबे छक्के पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया है कि किस तरीके से बॉलिंग कर रहा है वो। लेकिन वहीं पे अगर कोई तीसरा नया बॉलर आ जाएगा तो फिर से आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कैसे बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। सो ये हम लोगों को समझना जरूरी है कि भाई क्या है क्या नहीं, कि जो पहला बंदा है वो हमारे लिए खतरनाक है, जो पहली डिसीज है हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन जैसे हम लोग अडेप्ट करते हैं हमको पता लग गया कि कैसे बॉलिंग कर रहा है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको पता लग गया कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से, वायरस किस तरीके से हमला कर रहा है, तो उसको पता है कि अगर दूसरी बारी आएगा तो भाई हम इसको पीट देंगे अच्छे तरीके से। सेम थिंग इज हैपनिंग इन आर बॉडी, एंड ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है किसका, इम्यूनाइजेशन का। इसी को यूज करके बेसिकली जो बड़ी बड़ी वैक्सीन्स होती हैं, जो जितनी भी वैक्सीन्स जो आप लोगों की बनी हैं, ठीक है, जितनी भी वैक्सीन्स आप लोगों की बनी है सब इसी के बेसिस पे बनी है, यही फंडे के बेसिस पे बनी है। अब वैक्सीन्स में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में जरा जानते हैं। यहां पे आ जाइए, देखिए, ठीक है, ये हमारा मिस हो गया था, इसको जरा समझते हैं। चलो जी, सो ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम्स समटाइम्स डेलिबरेटली रब्ड द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स इनटू द स्किन ऑफ हेल्दी पीपल। तो जो ट्रेडिशनल इंडियंस और चाइनीज मेडिसिन वाले थे, जो मेडिसिनल सिस्टम जो वाले लोग थे, उन्होंने क्या करा, स्मॉल पॉक्स जो है हमारी एक वायरल डिसीज है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स क्या है, हमारी एक वायरल डिसीज है, इट इज अ वायरल डिसीज, ओके, एंड ये कॉज्ड होती है किससे, कॉज्ड बाय वरियोला वायरस, ठीक है, वरियोला वायरस से ये होती है हमारी, ठीक है, वरियोला वायरस से हो रही है। अब भाई होता क्या है कि डिसीज काफी खतरनाक थी, तो लोगों ने क्या सोचा कि यार अगर हम इसका के, और ना इस डिसीज के अंदर स्किन के ऊपर थोड़े बम्प्स वगैरह, स्किन के ऊपर थोड़े रैशेस वगैरह आ जाते थे, ठीक है, स्किन थोड़ी शेड भी करती थी, स्किन जो थी थोड़ी झड़ती भी थी, ठीक है, स्किन थोड़ी शेड करती थी झड़ती भी थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि जो जिस इंसान को स्मॉल पॉक्स हुआ है उसकी स्किन का ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर के एक हेल्दी इंसान के ऊपर या अनइन्फेक्टेड इंसान के ऊपर रब कर देते हैं। अब रब करने से क्या होगा, दे होप्ड इट इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसके अंदर थोड़ा हल्का स्मॉल पॉक्स आ जाएगा, ठीक है, और जैसे कि हमारी बॉडी की पावर है तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर ऐसे WBCs नहीं है जो उसके खिलाफ क्या कर सके, मेमोरी रख सके। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, और उन्होंने जब क्या कहते हैं इसको रब किया तो वायरस जो था वो तो ट्रांसफर हो गया और सामने वाले लोगों को भी क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, वो भी डेंजरस वाला, ठीक है, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि यार उसके लिए क्या होता है कि पहली बारी स्मॉल एनकाउंटर करना पड़ता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। चलो अब आगे क्या हुआ फिर, अब हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर जो थे, इट वॉज द मैन बिहाइंड हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, इन्होंने सारा का सारा इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल जो था डिस्कवर किया। इन्होंने क्या देखा कि दैट मिल्क मेड्स, ठीक है, मिल्क मेड्स हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। कुछ मिल्क मेड्स थे, ठीक है, जिनके वो काउपॉक्स हो रखा था, कभी ना कभी लाइफ में काउपॉक्स हुआ होगा, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। काउपॉक्स क्या है, काउपॉक्स जो है बेसिकली इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ, काउपॉक्स जो है ये है क्या, माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। काउपॉक्स हमारा क्या है, माइल्ड फॉर्म है किसका, स्मॉल पॉक्स का। दोनों का वायरस जो है एक ही तरीके से काम करता है, सेम तरीके से दोनों का जो वायरस है ठीक है, वो काम करता है। तो अब हुआ क्या कि इंसान को, मान लो कि जैसे यहां पे कोई इंसान है, उसको स्मॉल पॉक्स हो रखा था गलती से उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस गया, तो अब दोनों का काम करने का तरीका एक है, दोनों के वायरस का काम करने का तरीका एक है, तो हमारी बॉडी ने, या कह सकते हो जिस इंसान को काउपॉक्स हुआ था उसकी बॉडी के अंदर जो WBCs हैं उन्होंने सेम चीज़ करी जो काउपॉक्स के लिए करी थी, और स्मॉल पॉक्स को बॉडी के अंदर होने ही नहीं दिया। ये जो WBCs थे वो हमारे जो स्मॉल पॉक्स के वायरस थे उन्होंने उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस कारण उनके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही बोला गया है,
काउपॉक्स क्या है, एक माइल्ड डिसीज है। एडवर्ड जेनर ने क्या करा, जानबूझ करके काउपॉक्स कर दिया किसके अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है। एंड उसमें बाद में फिर उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जिन लोगों को उन्होंने जानबूझ के क्या करा था, काउपॉक्स किया था, उनको बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो दिस इज हाउ कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल जो उसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। नाउ दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द काउपॉक्स वायरस, और यहीं से जो वर्ड था वैक्सीनेशन वाला वर्ड जो है वो यहीं से आया, ठीक है। काओ को असल में लैटिन भाषा में कहते हैं हम लोग क्या, काओ को हम लोग लैटिन भाषा में कहते हैं क्या, वेका, ठीक है। काओ को लैटिन भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, वेका कहते हैं। और काउपॉक्स जो होता है, ठीक है, काउपॉक्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनिया कहते हैं। काउपॉक्स को हम कहते हैं वैक्सीनिया, ठीक है। काउपॉक्स को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनिया कहते हैं। तो यहां से वैक्सीनेशन शब्द जो है, देखो, फ्रॉम दीज द वर्ड वैक्सीनेशन हैज कम इनटू आवर यूसेज। तो यहां से कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन शब्द जो था उसका कह सकते हैं फॉर्मेशन हुआ था। तो वैक्सीनेशन के केस में हम क्या करते हैं कि जब हम आपको वैक्सीन वगैरह देते हैं, या वैक्सीन हमारा क्या होता है, वैक्सीन के केस में हम लोग थोड़े से डेड, ठीक है, या आप कह सकते हैं वीक माइक्रोब जो है आपकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। इतने होते हैं वो कि हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि कुछ तो अंदर आया है, कुछ तो हलचल मची है। इतने होते हैं कि WBCs को इनके बारे में पता लग जाता है, बट ये डिसीज कॉज नहीं करते हैं, बट ये डिसीज कॉज नहीं करते, ठीक है भाई। तो अब इससे होगा क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपकी बॉडी के अंदर टाइफाइड का वैक्सीन डाला, उसके अंदर मैंने वीक माइक्रोब या पैथोजन डाल दिए। अच्छा, वो वीक थे तो उन लोगों ने डिसीज तो कॉज नहीं करी, लेकिन अब हमारे WBCs पहचान गए हैं कि टाइफाइड का वायरस जो है किस तरीके से काम करता है। तो कल को अगर इस बॉडी के अंदर, कल को इस इंसान के अंदर अगर हमारा टाइफाइड का बैक्टीरिया खुद से नेचुरली जाता है, कहीं से भी, कॉन्टेमिनेटेड फूड से, वाटर से जाता है, तो इस इंसान के अंदर जो WBCs हैं वो उस बैक्टीरिया के ऊपर बड़े ही खतरनाक तरीके से अटैक करेंगे और टाइफाइड को होने नहीं देंगे। तो ये था इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल। ऐसे लोगों को ठीक किया गया, उसके बाद धीरे धीरे करके और भी सारी चीज़ें करती रहे, ठीक है। आज भी पोलियो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है, कि घर घर जा करके सबको क्या बुला रहे थे, पोलियो की ड्रॉप्स बुला रहे थे, ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो इस केस में भी क्या क्या था, डेड और वीक पैथोजेंस को बॉडी के अंदर जो है डाला गया था, तो उसकी बॉडी, उस वजह से क्या हो गया, हमारे जो WBCs थे उन्होंने इसके बारे में जान लिया कि अच्छा, ये इस तरीके से काम कर रहा है, डिसीज कॉज नहीं हुई। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम सेम पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया तो उसको उन्होंने पूरा का पूरा तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि किस तरीके से ये काम करता है। ऐसी बहुत सारे डिसीज की वैक्सीन जो है बनाई गई, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो कह सकते हैं फंडा था, या वैक्सीनेशन का जो इवोल्यूशन था, इस तरीके से कहीं ना कहीं वो शुरू हुआ, ठीक है। अब वैक्सीनेशन वाला पार्ट तो हो गया। अब आप कहेंगे सर, हर जगह थोड़ी ना वैक्सीन लग जाएगी, कहीं ना कहीं हम लोगों को दवाइयां भी तो चाहिए ना सर, तो फिर दवाइयां का क्या करें, ठीक है। तो उसके ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आप लोगों के लिए कि डैश वॉज द माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का माइल्ड फॉर्म कौन सा डिसीज था, ये आप लोगों को बताना है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए चिकन पॉक्स एंड पिग पॉक्स, फिर उसके बाद काउ पॉक्स या नन, ठीक है। चिकन पॉक्स, पिग पॉक्स, काउ पॉक्स या नन, बताइए क्या यहां पे हमारा करेक्ट चॉइस है, ऑफ इन चारों में से कौन सा करेक्ट चॉइस होगा, कि माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स कौन सा है, जल्दी बताओ। 5 सेकंड है बस, 5 सेकंड, ज्यादा नहीं है, 5 सेकंड है बस, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि जो हमारा क्या था, स्मॉल पॉक्स था, उसका माइल्ड वर्जन वॉज काउ पॉक्स, ठीक है। जल्दी से एक बार ना इसको नोट कर लो प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है। एक को इसका छोटा सा डायग्राम सा बना लो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक मिनट के लिए साइड हट जाता हूँ, जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आता है, अब वाई इज इट हार्ड टू मेक एन एंटीवायरल ड्रग या देन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। तो हम लोगों ने बोला कि यार ठीक है, चलो जी वैक्सीन वगैरह अपनी तरफ है, हम लोग एंटीबायोटिक्स भी तो बना सकते हैं ना। व्हाट आर दी एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स वो चीज़ होती है, वो मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया वगैरह को या वायरस वगैरह को मारती हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को या वायरस को किल करे उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स भी तो बना सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स किस तरीके से बनाते हैं, आप लोगों को वायरस के बारे में बता दिया था मैंने, आप लोगों को मैंने क्या कहते हैं थोड़ा फंगस का आइडिया दे दिया था, प्रोटोजोआ का आइडिया दे दिया था, ठीक है, सबका आइडिया दे दिया था लास्ट लेक्चर में। सो अभी मैं बताऊंगा कि क्यों मुश्किल होता है वायरस के लिए दवा बनाना कंपेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। ध्यान से देखो, देखिए भाई यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक ह्यूमन सेल है, यहाँ पे हमारा ह्यूमन सेल है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है बैक्टीरियल सेल, यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, चल एकदम बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरा ह्यूमन सेल है, यहाँ पे दूसरा हमारा ह्यूमन सेल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा वायरस है, यहाँ पे हमारा वायरस है। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन, या ये रिलीज करते हैं क्या, आप यहीं पे लिख देते हैं टॉक्सिन सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एंड वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है अब इस ह्यूमन सेल को हार्म करते हैं, इस ह्यूमन सेल को वो हार्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर से मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी अलग अलग प्रोसेस चल रही होती है या चल रही होगी, ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस चल रही होंगी, यहाँ पे ह्यूमन सेल के अंदर अपनी अलग अलग प्रोसेसेस चल रही होंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर डाल दिया, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर वही मान लो ना, पेनिसिलिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, या चलो ठीक है, हमारी एक पेनिसिलिन करके एंटीबायोटिक होती है, ये एंटीबायोटिक क्या करती है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन रोक देती है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन रोक देती है, सेल वॉल फॉर्मेशन को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। अब देखो एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है, यहाँ पे तो सेल वॉल जो है वो क्या है, वो है एब्सेंट, यहाँ पे तो सेल वॉल क्या है, वो है एब्सेंट, लेकिन इसके पास, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। तो अब इसकी सेल वॉल अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल जो है अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको रोक दिया, नहीं दिया, रोक दिया ना भैया। लेकिन अगर वायरस की बात करें तो वायरस के केस में क्या होता है, ये जो वायरस है ना, इसके अंदर जो डीएनए या आरएनए होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो वायरस के अंदर जो हमारा डीएनए या आरएनए होता है वो ह्यूमन सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, ह्यूमन सेल के अंदर आ जाता है, और फिर ह्यूमन सेल को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है, और इस ह्यूमन सेल को बोलता है कि भाई चल अब तू नए वायरस बना, अब तू न्यू वायरस को बना। तो यहां पे सारा का सारा काम कौन कर रहा है, यहां पे सारा का सारा काम कर रहा है ह्यूमन सेल। अगर मैं किसी दवाई से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा किसको, वायरस को, तो कहीं ना कहीं मेरा ह्यूमन सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, होगा या नहीं होगा भाई। वायरस जो होते हैं ये यूज करते हैं किसको, वायरस जो होते हैं ये यूज करते हैं होस्ट सेल को, जिस भी ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। होस्ट अब कौन सा हो गया, जिसके अंदर वायरस घुसा है, होस्ट के सेल को अपने फायदे के लिए। तो अगर आप लोगों ने वायरस को नष्ट करने की कोशिश करी तो हो सकता है जो हमारा खुद का सेल है या किसी प्लांट के अंदर, किसी एनिमल के अंदर वायरस है, तो उस वाला सेल भी जो है वो तबाह हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे बैक्टीरिया अपना अलग था, ह्यूमन सेल अपना अलग था, तो यहाँ पे कोई फालतू का क्या कहते हैं लफड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, तो हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस अभी भी होती हैं जो वायरस के अंदर अलग से हो रही हो और ह्यूमन के अंदर अलग से हो रही हो। मान लो कि मैंने कुछ ऐसी दवाई डाल दी, जिसने क्या करा, वायरस का डीएनए जो था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसने वायरस का डीएनए जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वायरस का डीएनए डिस्ट्रॉय कर दिया तो ह्यूमन सेल बच जाएगा, जो सारा का सारा कंट्रोल था ह्यूमन सेल के ऊपर वायरस के डीएनए का, वो हट जाएगा। लेकिन अगेन आप इसको इस तरीके से भी समझो कि यार यहाँ पे दो टारगेट्स हैं आपके अलग अलग, यहाँ पे दो टारगेट्स हैं आपके अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे एक टारगेट ये रहा आपका, ठीक है, और दूसरा टारगेट जो है आप लोगों का ये रहा ऐसे, और इसको सही बनाता हूं, मेरे को दूसरा टारगेट आपका ये रहा, ये जो व्हाइट वाला सर्कल है ये किसका है, वायरस का। अब वायरस की जो एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ इतनी ही डिफरेंट है, ठीक है, इतनी ही डिफरेंट है किससे, ह्यूमन सेल से। अब आपको अगर वायरस को मारना है तो सिर्फ इसी व्हाइट वाली जगह पे मारना है, क्योंकि अगर आपने इधर कहीं मारा
तो ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे आप। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ह्यूमन सेल अलग है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल अलग है, पूरा खुला टारगेट दिख रहा है, इसके ऊपर मारो गोली मारो यही मरेगा ना भाई। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारा हल्का सा भी निशाना चूक गया तो ये ह्यूमन सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वायरस जो होता है ये बहुत ही क्लोजली काम करता है किसके साथ, ह्यूमन सेल के साथ या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जिसके अंदर ये घुसा है, किसी भी ऐसे कह सकते हैं एनिमल के साथ, प्लांट सेल के साथ जिसके अंदर ये एंटर किया है। तो इनको वायरस के लिए दवाई बनाना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी से इतनी डेवलप हो गई है कि कुछ कुछ हमारे एंटीवायरल ड्रग्स भी अब बन चुके हैं। बट एग्जाम में हम लोगों से हमेशा पूछता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक एन एंटीवायरल ड्रग, सो बिकॉज आप लिख सकते हैं कि वायरस जो होते हैं ये यूज करते हैं होस्ट सेल को अपने फायदे के लिए। ठीक है, वायरस के पास खुद का कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं है, खुद का कुछ भी काम नहीं है, नॉन लिविंग होते हैं ये। कहने के लिए क्या कहते हैं, लिविंग होते हैं। और लिविंग भी कब होते हैं, जब बॉडी के अंदर आते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि वो यूज करते हैं किसको, जिस होस्ट में वो घुसे हैं, जिस इंसान में, जिस प्लांट में, जिस एनिमल में घुसे हैं उसके सेल्स को यूज करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार इसको मैं जल्दी से फिर से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहां तक सारी बातें जो हैं आप लोगों को समझ में आ गई हैं। एक बारी इसको मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम लेंगे हम अच्छे से, ज्यादा कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए, एडिशनल लेक्चर चाहिए, किसके ऊपर, कि कौन कौन सी डिसीजेस जो है ह्यूमंस के अंदर होती हैं, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, इसके साथ तो नहीं, बट मैं यूट्यूब पे एक अलग से लेक्चर जो है बना करके डाल दूंगा आप लोगों के लिए संडे को या नेक्स्ट टाइम पे, जब भी मेरे को मौका मिलेगा, कि हाँ भाई ये कॉमन डिसीज है ह्यूमंस के अंदर और ये सारी डिसीज आप लोगों को पढ़नी है। आज तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, छोटा सा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कभी भी उस लेक्चर को डाल सकते हैं, एंड वो जो लेक्चर होगा इट विल बी फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये सारी डिसीज जो है ह्यूमंस के अंदर होती है, बैक्टीरिया कॉज करता है, ये करता है, वो करता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बता देंगे। तो प्लीज़ डू लेट मी नो। अगेन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अगर किसी को वो लेक्चर चाहिए, तो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि हाँ सर चाहिए, अगर आपको फिर से वो लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं आप लोगों के साथ वो लेक्चर जो है शेयर कर दूंगा। मतलब जाहिर सी बात है कि मुझे बनाना पड़ेगा उसके ऊपर एक लेक्चर, बट मैं उसको बना दूंगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, थोड़ा छोटा सा है, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को जानना नहीं था, बस दो टॉपिक्स करने थे, प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं इम्यूनाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे ये था कि हमारा व्हाई इज इट हार्ड टू मेक एंटीवायरल ड्रग। अच्छा, मैं वायरस के बारे में अगर थोड़ा और जूम करके चीज़ें दिखाऊं, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लो ये हमारा एक वायरस है, ये हमारा एक वायरस है, इसके पास खुद का डीएनए है, ये हमारा ह्यूमन सेल है, यहाँ पे इसका डीएनए है। ठीक है, इसका डीएनए है। अच्छा जी, तो होता क्या है कि वायरस जो है हमारा आ करके यहाँ से ह्यूमन सेल से चिपकता है और अपना डीएनए इसके अंदर डाल देता है। वायरस के डीएनए को हम थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं, इस कलर से दिखा देते हैं, इस कलर से दिखा देते हैं। अब होता क्या है कि ह्यूमन सेल के अंदर थोड़ा सा पोर्शन किसका आ गया है, वायरस के डीएनए का आ गया है, एंड बाकी यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे हमारा नॉर्मल डीएनए है। तो ये जो वायरल डीएनए है ये साफ साफ ह्यूमन सेल को कह देता कि भाई देख तेरा काम बहुत हो चुका है, अब तू क्या बना, अब तू मेरे बॉडी पार्ट्स बना। तो सेल के अंदर क्या बनने लग जाते हैं, वायरस के बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं, सेल के अंदर वायरस के बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक सेल के अंदर वायरस बन रहा है, अब फिर एक वायरस क्या करता है, इस सेल को तोड़ देता है, इसके अंदर से तीन वायरस रिलीज होते हैं, इसके अंदर से तीन वायरस रिलीज होते हैं। ठीक है, एंड ये जो तीन वायरस हैं ये जाकर के अपने अलग अलग सेल को, ये अब जाकर के अपने अलग अलग सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, अब उनसे फिर और वायरस बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके साइकिल चलती रहती है। और यहाँ पे सारा का सारा काम देखो किसके अंदर हो रहा है, ह्यूमन सेल के अंदर हो रहा है। सो इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म अ मेडिसिन फॉर क्या कहते हैं, किसके लिए, वायरस के लिए। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग वायरस को, जो वायरल डिसीज जो होती हैं, ठीक है, उनको इतना क्या कहते हैं ट्रीट नहीं कर पाते हैं। हालांकि उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि जो वायरस के इफेक्ट को सप्रेस करें। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई जो हमारा एड्स है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक वायरल डिसीज है, वो एक वायरल डिसीज है। ठीक है, जो वायरल डिसीज होती है उनके खिलाफ ट्रीटमेंट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू बैक्टीरियल डिसीज, कंपेयर टू फंगल डिसीज, कंपेयर टू प्रोटोजोआन डिसीज, उनके खिलाफ थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस बात को ज़रा ध्यान रखेंगे, एंड ये बात आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ओके भाई, चलिए जी। सो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, आखिरी सवाल हमारा यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं आप लोग, व्हाई एंटीवायरल ड्रग्स जो होते हैं आर हार्ड टू मेक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि बिकॉज, ठीक है, बिकॉज की स्पेलिंग में थोड़ा मैंने सी और ए आगे पीछे कर दिया, तो उसके साथ एडजस्ट कर लेना।
ठीक है, पता चला बोलो बाद में कि सर आपको तो स्पेलिंग भी नहीं आती है, सर को स्पेलिंग आती है और तुम लोगों ने तो नोटिस भी नहीं किया होगा ये, ठीक है, तो बिकॉज में हमारा सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, थोड़ी सी शफलिंग कर देते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स बनाना मुश्किल होता है, क्यों? वायरस यूज़ करते हैं होस्ट सेल को, वायरस आर वेरी स्मॉल, वायरस आर नॉन लिविंग या नन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोगों के पास है 10 सेकंड, जल्दी से बताएंगे। साइड हट गए, ऑप्शन देखो, साइड हट गया हूं मैं, ऑप्शन देख लो। चलो जी, और इस चैप्टर को खत्म करने से पहले जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, क्या नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए जी, आई गेस दिस इज इनफ। अब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या है? देखो, वायरस हमारे नॉन लिविंग है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, वायरस हमारे बहुत छोटे हैं इससे भी मतलब नहीं है। वायरस जो होते हैं यूज़ करते हैं किसको? होस्ट सेल को, अपने खुद के मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, ठीक है। इस चक्कर में यह कह सकते हैं वायरस जो है हमारा होस्ट की मशीन को यूज़ करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, इस चक्कर में उनको मारना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमने वायरस को मारने की कोशिश करी तो हो सकता है कि हम होस्ट को मार दें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी थैंक यू वाली स्लाइड जो है इसके ऊपर हम थोड़ा 5 मिनट लेंगे। 5 मिनट क्यों लेंगे? क्योंकि आप लोगों को कुछ बातें बतानी है। बातें कैसे बतानी है कि अगर वाई डू वी फॉल इल की बात करें हम लोग, ठीक है, वाई डू वी फॉल इल, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, फॉल इल, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है बेसिकली कह सकते हो कि एक ही चैप्टर आ रहा है टर्म टू के अंदर, ओनली चैप्टर, ठीक है, इन सी बी एस सी टर्म टू, सिर्फ एक लौता चैप्टर आ रहा है सी बी एस सी टर्म टू के अंदर। 8 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज है, 8 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें किसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज हेल्थ का और डिसीज का डेफिनेशन, जो कि मैंने दोनों बताए हैं, डिसीज का डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो हेल्थ के 3 एस्पेक्ट्स, वह कह सकते हैं कि हाउ सोशल इश्यूज जो होते हैं, सोशल इश्यूज किस तरीके से हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, सोशल इश्यूज किस तरीके से हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। और इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्या? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। उसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे फैलती हैं हमारी बीमारियाँ, ओके। एंड फाइनली उसके बाद इम्यूनाइजेशन वाला पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, कि इम्यूनाइजेशन कैसे होता है। एडवर्ड जेनर वाला जो हमारा बॉक्स दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर वो इम्पॉर्टेंट है, पेप्टिक अल्सर का एक बॉक्स दे रखा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, स्प्रेड कैसे हो रही है ये आपको पता लग चुका है, तो फिर इसको प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट होगा। अगर कोई डिसीज़ किस तरीके से स्प्रेड कर रही है वो हम लोग बता रहे हैं, तो उस डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे उस डिसीज़ को रोकना है, वो भी तो हम लोगों को बताना पड़ेगा ना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो जल्दी से नोट करोगे फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन हो गया, अगर कोई टॉपिक मैं भूल रहा हूँ तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और तो कुछ नहीं। पेप्टिक अल्सर्स हो गया, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस हो गया, हाँ मेरे को याद आया अभी, क्या एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज, एग्जाम्पल्स के साथ इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर बेहद ज़रूरी हैं। बाकी अब हमारे बाद आपका क्या कहते हैं, एक साइंस का नया चैप्टर आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर आएगा, सो वो आपको पढ़ाने वाली हैं स्वाति मैम, हो सकता है बहुत सारे बच्चे उनको जानते हों, कुछ बच्चे यहाँ पे नए भी हों। तो नेक्स्ट वीक से आपका क्या कहते हैं, मंडे को अब स्टार्ट होगा साइंस का एक नया चैप्टर डैट इज केमिस्ट्री में, ठीक है, जो भी टर्म टू का आपका चैप्टर होगा वो वाला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले एक बारी चैप्टर कवर कर लेते हैं एंड उसके बाद विल स्टार्ट विद दी क्या कहते हैं मैराथॉन्स एंड बहुत सारे
क्विज के सवाल वगैरह जो है सब लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलें कि सर प्लीज़ सर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस भी करवा दो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह जो है हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस एक बार अपना सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद हम लोग संडेज को बड़े बड़े इवेंट्स रखवा करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ लेकर के आएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि वाई डू वी फॉलो इन के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है, चारों लेक्चर्स देख लेना, चार लेक्चर्स हैं टोटल इसके, कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर मैं अलग से डाउट सेशन लगा दूंगा, कभी डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। सॉरी सर की थोड़ी तबीयत खराब है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।